हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो कि हमारा क्या क्या है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है सामान्य निर्देश, जो कि आपको एक बार पढ़ लेना है नीचे जाने से पहले। जब आप इसको एक बार पोज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना अगर हम पढ़ें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक दिया हुआ अपठित बोध, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। आपको क्या करना है, जो गद्यांश है इसको एक बार आपको ध्यानपूर्वक शांति मन से पढ़ना, उसके बाद आपको नीचे का जो आंसर है वो देना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। विज्ञान की प्रगति से किस में वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन है मानव बुद्धि में, आधुनिक सुख साधनों में, या मानसिक स्वास्थ्य में, या शारीरिक स्वास्थ्य में। तो एक का जो हमारा इसका आंसर है वो जगह भी, यानी कि आधुनिक सुख साधनों में विज्ञान की वृद्धि हुई है, प्रगति हुई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों, क्योंकि ऑप्शन हमारा है कि इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई, या ये सभी। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये सभी। देखिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं मशीन वशीन तो बहुत सारा उसमें हम लोग का होता है, जैसे कि हम लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, कोई भी काम कराना होता है तो मशीन से ही करवाते हैं लगभग। तो बहुत सारी बीमारी उमारी इसके कारण भी आता है, इसके कारण हम लोग एक्सरसाइज जो होता है वो सब भी नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दें। आपको जो वहाँ पर गद्यांश लिखा है उसके लिए आपको टाइटल बताना है कि उसका टाइटल क्या हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा है कि स्थायी सुख, या वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या विज्ञान जनित उपलब्धि। तो इसका जो थर्ड का आंसर है वो हो जाएगा, आप या तो बी भी रख सकते हैं, वैज्ञानिक प्रगति का अध्यात्मवाद, या तो आप डी भी दे सकते हो कि विज्ञान जनित उपलब्धि, ठीक है। आपको कोई भी आप इसमें दोनों से टिक मार सकते हो, क्योंकि दोनों ये सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। जो विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो ऑप्शन हमारा वैज्ञानिक प्रगति से, या आधुनिक सुख साधनों का उपयोग से, या भौतिक और आत्मिक उन्नति के संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, या आधुनिक जीवन शैली अपना कर। तो फोर्थ का हमारा जो आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यहाँ पे एक पहले दिया हुआ पद्यांश, आपको ये क्या करना है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए वह इसको पढ़ लेते हैं कि चढ़ी रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा के तमत माता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई काजू जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, व ताड़ती पत्थर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है फिफ्थ का, कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। जो कवि है वो किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु की। तो फिफ्थ का हमारा जो आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि यहाँ वह है, यहाँ पे जो है वह क्या है। तो एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है, या एक वृद्धा है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कि यानी कि एक स्त्री है, ठीक है। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात कि उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका टाइटल बताना है। तो ऑप्शन हमारा रुई, चिनगी, तोड़ती पत्थर, या दोपहर। तो हमारा सेवंथ का जो है आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विनगी, ठीक है। चिनगी हो जाएगा, चिनगी। हमारा क्वेश्चन नंबर आठ है कि यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। जो पत्थर है किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता, कठिनाई, शौर्य, साहस। तो एट्थ का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, शौर्य का प्रतीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया रचनात्मक लेखन का अभिव्यक्ति और माध्यम, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यह शायद आपको क्वेश्चन से बुक आया है शायद, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है। तो ऑप्शन हमारा प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रसारक, या इनमें से कोई नहीं। तो नाइन्थ का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि प्राप्तकर्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस है कि लाइव शब्द का अर्थ है। लाइव शब्द का अर्थ है जिसका सीधा प्रसारण होता हो, जिसका बाद में प्रसारण होता हो, जिसका पहले प्रसारण हो चुका है, इनमें से कोई नहीं। तो लाइव जिसका सीधा प्रसारण होता है, आप लोग लाइव देखते हो कोई भी चीज़, तो क्या होता है उसमें वहाँ पर जो प्रेजेंट में हो रहा है वही आपको यहाँ पर तुरंत दिखता है, ठीक है। तो उसी का शब्द का अर्थ होता है जिसका सीधा प्रसारण होता हो। सुबह हम क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे ऊपर बाई और प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम व पिता
पता लिखा जाता है ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है, ऐसा जो किस पत्र में लिखा जाता है, ऑप्शन प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र या व्यक्तित्व पत्र। तो हमारे इसका जो आंसर है वो जाएगा यानी कि डी व्यक्तित्व पत्र। ठीक है, यानी कि आप जो कोई लेटर अपने सगे संबंधी के पास लिखते हो तो उसमें ही ऐसा लिखा जाता है, ऊपर जो बाई ओर होता है पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो फीचर में लेखन अपने विचार डाल सकते हैं, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है, फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो हमारे 12th का जो आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि फीचर लेखन एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है, कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, या प्रथम पृष्ठ पर छापने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, या क्षेत्र की खबरें इकट्ठा करना, या निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना। उसके बाद क्वेश्चन 14 की जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, जो संचार माध्यम उसका जो प्रमुख कार्य किया, ऑप्शन हमारे लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना, या ये सभी। तो हमारे 14 का जो आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, कौन सा जो है पहला न्यूज़पेपर जो कि सबसे पहले भारत में छपा था। ऑप्शन हमारे बंगाल गजट, उदंत, मार्तंड या अमर उजाला या प्रताप। तो हमारा इसका जो है 15 का जो आंसर है वो जाएगा यानी ए कि बंगाल गजट। बंगाल गजट सबसे पहले न्यूज़पेपर इंडिया में छपा था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारे फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज या एंकर विजुअल। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि फ्लैश न्यूज। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ ध्यान निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछेगा एक और प्रश्न हो तो उत्तर दे। तो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड लगाई। ऑप्शन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 17 का, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यहाँ पे आपको बताना कि इसके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन हमारा जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रघुवीर शाह या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि इस पद्यांश का प्रतिपाद है, इस पद्यांश का प्रतिपाद है देवसेना की खुशी, देवसेना की प्रेम पीड़ा या देवसेना की देश प्रेम या देवसेना का उत्साह। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देवसेना के प्रेम की पीड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं, इसमें कौन सा अलंकार नहीं है। तो रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या मानवीनीकरण अलंकार। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि यमक अलंकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रस्तुत पंक्तियों के किस नाटक से ली गई, किस नाटक से जो पंक्तियाँ ली गई है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या अजात शत्रु। तो हमारा 20 का जो आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि स्कंदगुप्त। उसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस पाठ से उद्गृत है, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ वो किस पाठ से ली गई। तो ऑप्शन हमारा दूसरा देवदास, जहाँ कोई वापसी नहीं या कच्चा चिट्टा या संवादिया। तो हमारा 21 का आंसर है हो जाएगा डी, यानी कि संवादिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि यहाँ वक्ता कौन है, यहाँ पे जो वक्ता है वो कौन है, हरगोविंद, बड़ी बहुरिया, मोदी आइन या गुल मोहम्मद आगा। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बड़ी बहुरिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ, ऑप्शन हमारे खुशी, उत्साह, व्याकुलता या डर। तो 23 का हमारा आंसर है इसका हो जाएगा व्याकुलता। उसके बाद हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन 24 कि यहाँ श्रोता कौन है, यहाँ पे आपको बताना श्रोता कौन है, हर गोविंद, बड़ी बहू या मोहिद्दीन या गुल मोहम्मद आगा। तो इसका 24 का हमारा जो है आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हर गोविंद। उसके बाद क्वेश्चन 25 है कि यह दीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक, कविता में दीप किसका प्रतीक है, मन का, व्यक्ति का, समाज का या देश का। 25 का हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि बी, व्यक्ति का। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि
कौसल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? तो दुखी आश्रवों को, या राजा दशरथ को, या माता सुभद्रा को, या प्रजा को? 26 का मान आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, दुखी आंसुओं को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की चार हाथ लघु कथा किस शोषण से उजागर करती है, किस शोषण से उजागर करती है? ऑप्शन हमारे मजदूरों की, स्त्रियों की, बच्चों की, अध्यापकों की। तो 27 का मान आंसर वो हो जाएगा ए, यानी कि मजदूरों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है, दूसरी देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? ऑप्शन हमारे हरिद्वार, बद्रीनाथ, बनारस या इलाहाबाद। तो 28 का आंसर है वो जगह ए, यानी कि हरिद्वार में घटती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है, किस उपन्यास का अंश है? ऑप्शन हमारा गबन, रंगभूमि, गोदान या प्रेमाश्रम। तो 29 का जो आंसर है वो जगह ब्री, बी, रंगभूमि। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक के खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है, किसे कहा गया? ऑप्शन हमारा खूब खाना पीना और एक स्थान से उजड़ कर दूसरे स्थान पर बस जाने को, जीवन मूल्यों को ताक पर रख कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को, या बढ़ते हुए धार्मिक अंधविश्वास को, या घटती हुई आस्था को? 30 का हमारा आंसर है वो जगह बी, यानी कि जीवन मूल्यों को ताक पर रख कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने की। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।